हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करती है। आज हम करेंगे क्लास यूकेजी का सब्जेक्ट मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक रिवीजन। इसके लिए आप पेज नंबर 3 निकालें। पुट टिक फॉर द टॉलर, टॉलर का अर्थ होता है लंबा। एंड फैटर, फैटर का अर्थ होता है मोटा। लंबे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा लंबा, फैटर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मोटा। ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टर, शॉर्टर का अर्थ होता है छोटा। एंड थिनर, थिनर का अर्थ होता है पतला। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का अर्थ होता है वस्तुएं, कि जो चीज़ें आपको दिखने में लंबी और मोटी दिखाई देती है उसके लिए आप राइट का टिक करोगे, और जो ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं आपको छोटी और पतली दिखाई देती है उसके लिए आप क्रॉस का साइन लगाओगे। इस पिक में देखो, ये जिराफ है, ये क्या है लंबा है, और ये क्या है कैट है, कैट क्या है छोटी है। अब जो जिराफ से लंबा है तो इसके लिए आप जहाँ पे राइट का टिक करोगे, और जो जो कैट है शॉर्ट है इसके लिए आप ऐसे क्रॉस का टिक करोगे। इस पिक को देखो, इस पिक में एलिफेंट है, एलिफेंट क्या है फैट है। फैट का अर्थ क्या है मोटा, एलिफेंट ये क्या है मोटा है, इसके लिए आप राइट का टिक लगाओगे। इसके ऑपोजिट नीचे क्या है काउ है, काउ क्या है एलिफेंट के मुताबिक पतली है, तो इसके लिए आप क्रॉस का साइन लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। टिक द लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस द शॉर्टर ऑब्जेक्ट, जो चीज़ लंबी है उसके लिए राइट का टिक लगाओगे, और जो ऑब्जेक्ट छोटी है उसके लिए आप क्रॉस का टिक लगाओगे। अब इधर पिक में देखो क्या है, टू लेडर दिखाई हुई है, लेडर का अर्थ क्या होता है पौड़ी। अब देखो जे क्या है लॉन्ग है, तो इसके लिए आप राइट का टिक लगाओगे, और इसके मुताबिक जे क्या है छोटी है, तो इसके लिए क्रॉस का टिक लगाओगे। इस पिक में देखे जे पेंसिल है, पेंसिल क्या है इससे लॉन्ग है, कहने का अर्थ है ये जो इरेजर है ये शॉर्ट है, तो पेंसिल लॉन्ग है, तो यहाँ पे राइट का टिक लगाओगे, और जो इरेजर है शॉर्ट है इसके लिए क्रॉस का टिक लगाओगे। आगे देखो ये क्या है, दीवार को पेंट करने वाला ब्रश है, और ये ड्राइंग करने वाला छोटा ब्रश है। अब देखो ये लॉन्ग है तो जहाँ पे राइट का टिक लगाओगे, और ये शॉर्ट है तो जहाँ पे क्रॉस का टिक लगाओगे। आगे इस पिक में देखे ये रोप है, ये रोप देखो ये लॉन्ग है, लॉन्ग है ना, तो इसके लिए आप राइट का टिक लगाओगे, और ये वाली जो रोप है वो शॉर्ट है, तो इसके लिए आप क्रॉस का टिक लगाओगे। अब सभी बच्चे पेज नंबर 4 पे आएंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंप्लीट द काउंटिंग, काउंटिंग को पूरा करना है। देखो जैसे फर्स्ट लाइन में आपको बता रही हूँ ये क्या लिखा है, 1, 1 के बाद लिखोगे 2, 2 के बाद 3। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 4, 4 लिखा हुआ है ना,
तो फोर से आगे स्टार्ट करोगे, फाइव सिक्स सेवन लिखा हुआ है, फिर क्या होगा एट नाइन वन ज़ीरो टेन, ये टू लाइंस आप पूरा करोगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखें, राइट इन वर्ड्स, कहने का अर्थ है कि ये जो काउंटिंग दी हुई है इसको आप नंबर नेम में लिखोगे। ये देखो थ्री लिखा है तो स्पेलिंग लिखी है टी एच आर डबल ई, इसके आगे क्या है वन, तो यहाँ पे आप वन की स्पेलिंग लिखोगे ओ एन ई वन। आगे क्या है वन फोर फोर्टीन, तो जहाँ पे आप ऐसे फोर्टीन की स्पेलिंग लिखोगे एफ ओ यू आर टी डबल ई एन फोर्टीन, बाकी ये सारे कॉलम आप पूरे करोगे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, राइट इन नंबर्स, नंबर्स पूरे करने हैं, कहने का अर्थ जे नंबर नेम आपको दिए हुए हैं आप इसके आगे काउंटिंग लिखोगे, इनके नंबर लिखोगे। अब देखो क्या लिखा है 88, तो इस बॉक्स में आप ऐसे 88 लिखोगे। इधर देखो 39 39 39, ये पेज नंबर फोर, ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे बुक पे पेज नंबर फोर होमवर्क पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।